महावारी बंद हो जाता है। यहाँ पे कितने लोग मैरिड है? वेरी गुड। आज कितने लोग अपने स्पॉस के साथ आए हैं, या अपने स्पॉस के साथ वाइफ के साथ आए हैं, या अपनी बहन के साथ आए, या किसी के साथ आए हैं? और हम ओके वेरी गुड, चलो ठीक है। हालांकि ये टॉपिक लेडीज टॉपिक नहीं है, ये सब जनरल टॉपिक है, ये चीज समझिए, क्योंकि आपके भी घर में कोई ना कोई फीमेल है, वो इस चीज की समस्या से अगर जूझती है, अगर वो आपको साइन एंड सिम्टम्स भी दिख गया, वो आपको बताती नहीं है, तो भी आप उसको अलर्ट कर सकते हो। मीनाक्षी का जो टाइम है, एवरेज टाइम है, वो 11 से 12 साल में हो रहा है महावारी शुरुआत। ये जो होता है ये 12 से 50 साल तक मेंस्ट्रुएशन हर महीना महीना, ठीक है, और 50 साल के बाद में बंद से लेके तो जब तक आप ऊपर नहीं जाते हो तब तक, और ज्यादा लड़के होते हैं आदमियों से ज्यादा जीना जाती है, ठीक है। सो कमिंग टू द पॉइंट, आप लोगों को पता है कि ये जो वक्त होता है आपका और ये वक्त, यानी कि पैदा होने से यहां तक आप कितना टका लोग जिंदगी जीते हो उस वक्त, पता ही नहीं चलता, 12% ऑफ लाइफ। उसके पहले यहां पे एक प्यूबर्टी करके चीज आती है, जहां पे सब चेंजेस आती है, तो ये ट्रांजिशन पीरियड है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि मुझे दादर से वसई जाना है या विरार जाना है, ठीक है, तो मेरा जो ये ट्रांजिशन पीरियड है कि मुझे यहां से अभी दादर स्टेशन जाना है, विराट गाड़ी पकड़ना है, जो बांड्रा रुकेगी, अंधेरी रुकेगी, बुरुली रुकेगी, है ना, उस चीज को समझना है, वरना मैं कोई भी स्टेशन पर जाऊं, करेक्ट है। ये जो पीरियड है ये आपके जिंदगी का 40% खा जाता है, इसके अंदर 2% माइनस कीजिए आपकी डिलीवरी का और उसके बाद के जो महीनों का, और बाकी के जो 40% है वो ये ले लेता है आपका। इसके पहले की जिंदगी तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन इसके बाद की जिंदगी तो बहुत टाउ रहती है, और ये जो पीरियड होता है ना ये एकदम नॉर्मल पीरियड, क्यों, इसके अंदर बहुत से लोग इसमें भी हैं, यहां पर तो कोई नहीं है, लेकिन यहां पर भी जो है वो है, वो ये चीज को समझ सकते हैं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। और आप लोग भी थोड़ा सा अपने फैमिली को अगर आप उस पर बिठाने की कोशिश करो, बैकअप द माइंड, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहीं से आज सबसे बड़ी बीमारी आपके घर घर में आके रुकी है, वो है ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। अगर इस पर हमने ध्यान नहीं दिया ये चीज पर, तो समझ लो कि बाद में टाटा, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और उसके साथ साथ में आपके जेब में एक बहुत बड़ा खड्डा करवाना है। हाँ, तो यहां पर समझना है कि क्या है, ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ी सी चीज को हम यहां पे समझते हैं। एक ट्रांजिशन पीरियड दिखाता हूं कि क्या होता है। बच्चा पैदा हो गया या बच्ची पैदा हो गई, ये इन्फेंसी आ गई, ठीक है, इसके बाद आएगा प्यूबर्टी, फिर आपका मेनार्की, इसके बाद में मेंस्ट्रुएशन और मेनोपॉज। यहां से यहां तक ये मेल और फीमेल दोनों को लगता है, ठीक है, जो 6 से 12 साल की एज में बच्चा पैदा हुआ, तो 0 से 6 और 6 साल के बाद में उनके अंदर वो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। देखिए आपका लड़का है या लड़की है उसमें चेंज। अब ये जो एवरेज है मेनार्की का ये 12.5 का था, 12.5% का था, लेकिन आज दुर्भाग्य है और इतना फास्ट होगा, ये तो हमने भी नहीं सोचा था, मेडिकल साइंस ने भी नहीं सोचा था कि वो आके 8 साल पे रुक गया। आज 8 साल की बच्ची को महामारी शुरू हो रही है, और ये जो पीरियड है ये आ गया 40 साल में जहां पे स्टॉप हो गई। अब इसका इफेक्ट कहां आ रहा है पता है आपको? इसका इफेक्ट आ रहा है सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। और इसका रीजन क्या है? बहुत सिंपल, दो, आपकी लाइफस्टाइल और आपका लैक ऑफ न्यूट्रिशनल फूड। जो आज आपके बच्चे को बहुत अच्छा, आज संडे है, आज मैं मेरे बच्चों को ले जाके मैकडॉनल्ड में 2000 रुपए का खाना खिलाया, क्या खिलाया?
जस्ट इमेजिन, वही इफेक्ट कर रहा है उसपे, वही इफेक्ट कर रहा है उसपे। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, अगर आज नहीं जागे तो कल आपको है, क्योंकि ये जो है फीमेल है, यही तो सेंटर पॉइंट है आज इस पूरी धरती का। आज जो ये जब चल रहा है, इनके बगैर होगा क्या? जनरेशन बढ़ेगी क्या? आज इंफर्टिलिटी कितने लोग फेस कर रहे हैं? पीसीओडी, पीसीओएस कहां है? ये सब ये प्रॉब्लम आ रही है। सो इसको आप देखोगे तो ये जो मेनार्की है ना, ये वर्ड में आप देखोगे कि जो एम ई एन है, इसका मतलब होता है मंथ, और आर की मतलब स्टार्ट, यानी महीना स्टार्ट होना, और मेनोपॉज में मंथ पॉज यानी महीने का रुकना। अब इसके पहले जो ये प्यूबर्टी पीरियड है, वहां पर आप देखोगे कि थोड़े से चेंजेस आ जाती है, जैसे बच्चे के अंदर यौवन शुरू होता है तो ब्रेस्ट साइज वगैरह बढ़ना, बच्ची रहेगी ब्रेस्ट साइज वगैरह बढ़ना है, पीवी घेर आना है, ये सारी चीजें आ जाती है, और फिर वो चीज को अगर हमने ध्यान नहीं किया तो प्रॉब्लम आ जाती है। फिर उसको वहां पर हमें उसको ट्रेन करना पड़ता है साइकोलॉजिकली, उसको बताओ, उसको समझाओ कि अभी ये आपको आने वाली चीजें हैं, हर महीना महीना फेस किया हो, जो मैंने भी किया है, मेरी नानी ने भी किया है, मेरी मम्मी ने भी किया है, ये इस तरीके की आपको उसको काउंसिलिंग करानी है। अगर आपने वो नहीं करा है तो उससे उसका बैड इफेक्ट जो है वो काफी होता है। और ज्यादा करके हमें देखने मिला है कि पीसीओडी पीसीओएस केस के अंदर, जिस घर के अंदर ये काउंसिलिंग नहीं हुई है, वो लोग भी बच्चे वो ज्यादा सफर कर रहे हैं। और उसके बाद में ये पीरियड तो ट्रांजिशन पीरियड बहुत अच्छे से जाता है, लेकिन यहां से जब ये जो पीरियड आता है ना, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज, यानी उसके बाद में महावारी उठने के बाद में आपके अंदर जो चेंजेस आती है, वहां पे आपका सबसे बड़ा रोल है आपका। आपका क्या रोल है? महावारी तो बंद हो गई, चलो खत्म, क्या रोल है? अरे भाई, ये जो पीरियड है ना, यहीं पे आपके पार्टनर को आपको संभालने का सबसे बड़ा रोल। अगर यहां पे आपने आपके पार्टनर को नहीं संभाला तो गड़बड़ में आ जाओगे, उतना स्ट्रेस में डालोगे, वही स्ट्रेस उसको आगे तकलीफ दे। पार्टनर को संभालना कैसा है? वेरी सिंपल। यहां पर जो है आपको सिम्टम क्या आएंगे भाई? महीना तो बंद हो गया, हाथ पैर से जलन आना, यहां पे गर्म लगेगा, यहां धड़धड़ धड़धड़ होगी, एसिडिटी फील होगी, पेट साफ नहीं रहेगा, चिड़चिड़ापन तो इतना रहेगा कि पूछो नहीं। ये चीज आपको समझना है, आपके बच्चों को समझाना है कि मम्मी ये चीज से फेस कर रही है, इसीलिए हमें इसको अभी सपोर्ट करना है। अगर आपने वो चीज को नहीं किया तो उसका क्या होगा? कहीं ना कहीं पे इश्यू आएंगे कि नहीं आएंगे? और वो सारा चीज जो है अंदर के अंदर हाइपर एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन में हैम्पर करेगा, और जितने भी मैंने पीछे की बीमारियां बताई ना किसी बीमारी से वो सफर करेगी पक्का। जो ये 40% का लाइफ आपके साथ उसने दिया ना, दिया कि नहीं दिया? कितने लोग मानते उसे? कितने लोग मानते हैं कि ये उसने जो किया ये मेरे लिए किया? या यार चलो ना, उसको जिम्मेदार दी गई मेरे साथ, उसके घर वालों ने ब्याह करके दिया था तो मेरे साथ जी गए। बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर जो चीज है और सर्वाइकल कैंसर जो चीज है ना, वो ये एज में नहीं देखने को मिलती है, वो ये एज में देखने को मिलती है। और इससे निकालने का देखो, कुदरत जो है ना आपके साथ में, जो आपको बना के दी है शरीर, उनको बना के दी है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको दे के रखी है, हार्मोन्स दिए, कुछ ऐसे हार्मोन्स दिए जो आपको, अगर आपने उसको ट्रिगर कर दिया, उसको संभाल लिया, तो आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते। लेकिन हम उस हार्मोन्स की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, और वहीं पे वो प्रॉब्लम होता है, जिसे हम कहते हैं हैप्पी हार्मोन। ये जो पीरियड है ना, यहां पर ये महिला आपसे क्या उम्मीद रखती है पता है? कि आप उसके साथ खुश रहो, उसको खुश रखो, उसका माहौल जो है वो अच्छा रखो, और वहीं पे ये हार्मोन जो है आपके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, जिसके अंदर सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन। ऑक्सीटोसिन को तो लव हार्मोन किया गया, इसीलिए यहां पे हार्ट बनाया गया। लेकिन सेरोटोनिन जो है ना, ये आपको हमेशा खुश रखेगा,
और ये शरीर के अंदर बनते हैं और उसको बनाने की ताकत अपने अंदर आनी चाहिए। और ये कब बनेंगे? जब एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप वो चीज को उनको सपोर्ट करेंगे तो ये जाके बनेंगे। क्योंकि ये जो एंडोर्फिन है, इसका काम है कि आपका स्ट्रेस को कम करना, उसके अलावा ये आपके अंदर की जो पेन है उसको कम करना, उसके बाद में प्लेजर देना यानी सुकून देना। फिर डोपामाइन का काम है आपको रिलीज करेगा, मोटिवेशन देगा, लर्निंग करेगा, सेरोटोनिन का मूड स्विंग, क्योंकि इसके अंदर मूड स्विंग बहुत होता है। अभी अच्छी है, थोड़े देर में वो चिड़चिड़ी हो जाएगी, मूड स्विंग हो रहा है, करेक्ट है। तो ये चीजें कम होती है, वहां पर उनको बैलेंस करवाना बहुत जरूरी है। ऑक्सीटोसिन, बॉन्डिंग, अराउजल, ट्रस्ट, एंटी स्ट्रेस, सेल्फ स्टीम, ये बहुत सारी चीजें कवर करती है। ये हार्मोन कुछ बैक, तब तक दो मिनट के लिए शून्य करो, स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। चलो ओके, ये थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है, उससे थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो है ना कोई ब्लड टेस्ट की वगैरह जरूरत नहीं है। ये इसमें भी जब भी आपको अगर कोई समस्या आए तो ये आप कराओ, लेकिन जब आपकी स्पॉस या आपकी बीवी या आपकी कोई भी घर के अंदर है, घर की मम्मी है, जो कोई भी है, या आप लोग भी, ठीक है, मानता हूं कि आप बचत करते हो, डब्बे में बचाते हो, कोविड जैसी चीजों में काम आता है, लेकिन अपने शरीर पे क्या करते हो, कुछ मत करो। साल में सिर्फ एक बार अपनी हार्मोनल स्टडीज की, जो भी खर्चा है आपके आसपास के लैब वाले से बात करके साल में एक बार जरूर कराइएगा। बचपन की जेब से निकालो, कोई बात नहीं, और करा लो। नहीं दिया, ये बगावत की बात नहीं, ये बहुत जरूरी है। कल वो समस्या यहां पहुंचे, उसके बाद की समस्या देखोगे तो और डरोगे। तो उससे पहले, क्योंकि भुगतान तो आपको ही करना है, वो तो बेचारा आपके साथ भागेगा, दौड़ेगा, थोड़ा रोएगा, नहीं बाबा तेरे बगैर नहीं रह सकता। मैंने तो देखा हूँ, यू वोंट बिलीव, एट एज ऑफ, मैंने एक बंदे को देखा था, 2007 या 8 की बात है, शतुल्ला और हम लोग यहाँ पे बाइकला में मेरा जो स्टॉप पॉइंट था, तो वहां पे वो मेरे गांव वाले की तरफ से, गांव की तरफ से आया था। उसकी बीवी को सीए कैंसर था, तो वो हमारे कोंकणी भाषा में, मतलब हमारे गांव की भाषा में मुझे बोले कि एज थी जब उनकी अराउंड 65 के आसपास के थे होंगे, कि मैं ना तेरे चाची के बगैर रह नहीं सकता, मुझे बोल रहा था। यानी कि हम एक प्लेट में खाना खाते हैं, एक गिलास से पानी पीते हैं, इतना क्या बैल। वो तो बहुत टर्मिनल स्टेज में थी, उसको जाना था, वो चले गए 6 महीने के बाद, चाचा ने दूसरी शादी कहां गया क्या समझ गए ना, मेरा बोलने का मतलब क्या है। हाँ, तो बगावत नहीं करा रहा हूं, नहीं आ रहा हूं, ओके। तो यहां पर अपना एक चेकअप जरूर कराइए, और वो हार्मोनल स्टडी से आपको पता चलेगा कि आप कहां पर खड़े हो और आगे आने वाले चीजों के लिए आपको क्या है। तो जैसे कि यहां से ये चीजें तो समझ में आ गई, यहां पे भी आपको काउंसिलिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी, और यहां पर भी काउंसिलिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी, काउंसिलिंग। लेकिन आप जितना ज्यादा कर सकोगे उतना अच्छा है। आपको क्या कराना है, हमेशा अपनी वाइफ को मोटिवेट कराओ। उसका अगर मूड स्विंग हो रहा है, निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो उसको, अगर वो चिड़चिड़ कर रही है, उसको करने दो थोड़े दिन। वो एक बात कर रही है, आप दो बात करोगे तो 4 बात करेगी, और वो उन लोगों को पावर ज्यादा है, उन लोग तो अपने से डबल बात करते हैं। तो अपने को हमेशा समझ लो ना कि गिवअप करके ही उनके साथ उस टाइम को फेस करना है। और ये जो ट्रांजिशन फेज होता है ना, लाइफ टाइम नहीं चलेगा ये, मुश्किल से 2 से 5 साल, बहुत हो गया ना तो 5 साल तक जाएगा, वरना 2 साल के अंदर वो देखो तो नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएगी। और जितना आपने 2 साल के लिए उसको सपोर्ट किया है, आगे के 20 साल आओ आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ, नूनी जी लगेगा भाई, बाहर से बता दिया। तो मेनोपॉजल का एक बहुत ये है, इम्पोर्टेंस है, तो इसके अंदर हमेशा मॉनिटरेशन रखो,
है ना। और ये जो पीरियड आता है उसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि प्री मेनोपॉज यानी कि बंद होने के 6 महीना या साल भर पहले इंडिकेशंस आते हैं, वो इंडिकेशंस में मावारी रुक जाती है तो कई बार डर जाती है महिला से कि मैं प्रेगनेंसी में तो नहीं जा रही हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं होती, आप भले यूरिन टेस्ट वगैरह तो करा लो, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीजें आ रही है, उसके साथ में आने वाले सिम्टम्स है जैसे कि हाथ का जलन महसूस करना, पसीना बहुत आना, घबराहट होना, अगर वो भी चीज हो रही है तो थायराइड का जरूर टेस्ट करा के लेना, क्योंकि नॉर्मली उससे थायराइड से भी रिलेटेड चीजें होती है। वो सब चीज नहीं है तो ये समझ लो कि भाई ये अभी बंद होने का टाइम आया है। अब चूंकि ये साइज और ये साइज अब देखिए 11 से 12 50 साल बराबर है, अब यहाँ पे गया कितना 8 साल, यहाँ भी कम होगा ना, तो अब वो आ गया है 40 से 45 के। और अगर ये बंद हो रहा है तो ये कोई आपके लिए नई चीज नहीं है, ये आपके मम्मी के साथ हुआ है, नानी के साथ हुआ है, चाची के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है, और हम लोगों को भी उसका सामना करना है और उस तरीके से इसको लेके चलना है। तो वहां पर ये जो हैप्पी हार्मोन है उसका हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ये अंदर आपके है हार्मोन्स लेकिन उसका एक लेवल होता है, वो लेवल पे अगर वो नहीं मिलेगा तो आपका मूड खराब होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको एंडोर्फिन, एंडोर्फिन अगर आपके ब्लड में नहीं है तो आपको जो बंद होने के पहले का जो है ना उस टाइम पे क्रैम्पिंग पेन बहुत आएंगे, या क्योंकि वो चालू होने के टाइम पे भी दर्द बहुत रहेगा तो ये एंडोर्फिन। उसके अलावा स्ट्रेस बहुत आएगा, कोई भी चीज कोई भूल कर गया और फौरन स्ट्रेस लेगी और सुकून जैसी चीज नहीं रहेगी। अगर ये डोपामाइन कम रहेगा तो उसके अंदर उसको मोटिवेशन नहीं रहेगा, मूवमेंट नहीं करेगी, हमेशा सुस्त रहेगी, कुछ भी बोलो तो कई बार बोलते हैं ना यार मैं इसको हमेशा बोलता हूँ मीटिंग में चल, ये सुनना भी नहीं चाहती और समझना भी नहीं चाहती, समझ लो कि डोपामाइन कम। उसके अंदर लर्निंग की क्षमता ही नहीं, कई बार आप बोलते हो ना चलो यहाँ बैठ के कुछ सीखे नहीं, एक कोई बात कर रहा है फ्री में ही बोलते भले समझा रहे। उसी तरह से ऑक्सीटोसिन के लिए तो कहा गया है कि ये लव हार्मोन है, ये जो है ये टच से आता है, टच से एक दूसरे के टच से। अब ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा तो आप समझ लो वो चीजें हैं। उसके अलावा ये आज आप देखोगे कि ये जो समस्या जो आ रही है ना मेनार्की के बाद में, मेनोपॉज के बाद में बहुत सारी चीजें, तो उसके अंदर आ रहा है सबसे बड़ा समस्या हस्बैंड वाइफ तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन अगर घर के अंदर मां और बच्चे हैं तो बच्चों के अंदर जो दूरियां आ गई वहां पर ये ऑक्सीटोसिन भी कम होते जा रहा है। ऑक्सीटोसिन अंदर कैसा बनेगा, सिंपल है, एक दूसरे के टच से, हग से, यानी हम गले मिलते हैं। अब बचपन में देखिए जब बच्चा छोटा होता है तो वो मां को हमेशा आगे गले लगेगा, करेक्ट है, तो उस टाइम पे उसका ऑक्सीटोसिन लेवल वगैरह अच्छा रहता है। लेकिन आजकल का क्या हो गया है, बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं तो घर में बच्चे नहीं है तो एटलीस्ट आप पेट पालो, हर ऑक्सीटोसिन लेवल को अगर अच्छा रखना है तो फिर आपको पेट पालना पड़ेगा। तो बहुत से मैं देखता हूँ कि फीमेल जो है ना वो अपने डॉग या कैट से ही बहुत खुश रहते हैं, उनको ये करते हैं तो उससे उनको फीलिंग आती है। अगर ये नहीं मिला ना तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी तकलीफ दे सकता है। तो जो मैं काउंसिलिंग की बात किया हूं अपने बच्चों को समझाइए, ठीक है ये पप्पू लेके दिन भर बैठते हैं पबजी खेलते हैं पता नहीं और कहां से कुछ भी लेकर आ जाते हैं, भाई आजकल के बच्चे तो कल आप लोगों के लिए समस्या आ जाएगी, एटीएस बीटीएस सब लग जाएगा। उससे बेटर बोलो यार मम्मी को दिन भर में एक दो बार हक किया कर तेरे लिए और हमारे लिए भी सबके लिए फायदा रहेगा, करेक्ट है ना। बच्चों के अंदर बॉन्डिंग बढ़ेगी, ये बॉन्डिंग को बढ़ाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सेरोटोनिन, ये सेरोटोनिन जो है इससे जो है सबसे बड़ी चीज है वो सोशल बिहेवियर और एपेटाइट। औरतों के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या मिलती है, भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती है पता, आज तक आप लोगों ने सोचा इसके बारे में कभी नहीं, मैं आदमियों से पूछ रहा हूं आप लोग।